फ्रेंड्स, मैं हम सूद यह है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। से सलमान खान से जुड़ी हुई एक बेहतर खबर आ रही है, वो ये है कि सलमान खान को विदेश जाने पर लगाई गई कहीं ना कहीं एक कंडीशन को कोर्ट ने, जोधपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कंडीशंस क्या थी? कंडीशन ये थी कि सलमान खान जब भी किसी विदेशी यात्रा पर जाएंगे तो उन्हें जोधपुर सेशन कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसे में सलमान खान, आपको पता ही है, हर हफ्ते में एक बार कहीं ना कहीं विदेश में नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं महीने में दो तीन बार यहाँ वहाँ विदेशों में नज़र आते हैं। इवन दबंग टूर के लिए, जहाँ पर सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा और कहीं ना कहीं पूरी टीम ऑल ओवर वर्ल्ड का टूर कर रही है, तो सलमान खान को भैया हर दफ़ा जाना ही पड़ता था, हर महीने में एक दो दफ़ा यहाँ वहाँ टूर के लिए। ऐसे में सलमान खान के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता था कि उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि भैया वो जा रहे, बताना पड़ता था कहीं ना कहीं। परमिशन मतलब एक तरह से बताना, अब कोर्ट उस पर एग्री करती है या नहीं वो एक अलग बात थी, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर आई है, वो आपको बता देता हूँ। टाइटल पर बता देता हूँ पहले, सलमान खान नो मोर नीडेड टू टेक परमिशन फॉर फॉरेन ट्रिप्स। ये खबर है कल की, एक्चुअली यानी खबर है ये 5 तारीख की, और खबर की इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान खान के ऊपर एक प्रेशर था कि विदेश जब भी जाए उनको एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ता था सेशन कोर्ट को ब्लैकबक पोचिंग केस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर अब चीज़ क्या हो गई है, आपको बता दो, एक्टर का जो काउंसिल है उन्होंने क्या कहा है, सरस्वत जिनका नाम है, हस्तिमल सरस्वत, उन्होंने कहा है कि वी हैव मूव्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग परमानेंट एग्जेम्पशन फॉर खान फ्रॉम टेकिंग परमिशन ऑफ द कोर्ट एवरी टाइम ही हैज़ टू ट्रेवल अब्रॉड, द कोर्ट अलाउड द एप्लीकेशन। यानी कि हमने एक एप्लीकेशन डाली थी कोर्ट में कि भैया सलमान खान को इस सब पचड़ों से बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया जाए, कि वो बार बार उन्हें कोर्ट को बताया जाए कि वो कहाँ जा रहे, ये बताने के चक्कर के ये जो प्रॉब्लम था इसके लिए एप्लीकेशन डाली थी, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन कोर्ट ने मंजूर कर ली है। यहाँ पर देखिए और क्या लिखा है, ही विल हैव टू कीप द कोर्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी सच प्लान्स बिफोर लिविंग द कंट्री लाइक द डेट्स, लोकेशन, द स्टे। यानी कि इसके अलावा अब ऐसा अगर आपको लग रहा है कि सलमान खान को पूरी तरह छूट मिल चुकी है कि वो कहीं पर भी विदेश जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन मतलब ये नहीं कि जा नहीं सकते, कंडीशन ये है कि बाकायदा कोर्ट को जो भी इनके शेड्यूल्स है, जो भी जितने इनके जा रहे, जो भी है वो पहले से ही बता दिया जाए, यानी कि बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। हम एक दफ़ा आई थिंक लंबे तौर पे बता सकते हैं कि यहाँ यहाँ पे जाएंगे, ये शूट करना है या ये है, मिलना है, जो भी है। तो कोर्ट एक बार कहीं ना कहीं कोर्ट इन्फॉर्म्ड रहेगा कि क्या हो रहा है, सलमान खान कहाँ जा रहे हैं, उस तरह से लाइक पहले जैसा कैसा था कि हर बार जाने के पहले बताना पड़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आई थिंक एक डिटेल्ड प्लान जो सलमान खान का है वो कोर्ट को मिल जाएगा कि हाँ फला फला दिन या इस दिन सलमान खान यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इस कंट्री जा रहे हैं, उस कंट्री जा रहे हैं, इतना दिन रहेंगे, ये होगा, वो होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं पाबंदी ज़रूर हटाई है, पर पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से खुली छूट भी नहीं दी है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि राहत ज़रूर मिली है एक बहुत बड़ी। अब सलमान खान को एक सिर्फ रिपोर्ट देना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उन्हें है ना कोर्ट में बार बार जाने की या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लगता है आप, कितनी बड़ी खबर है सलमान खान के लिए ये? क्योंकि मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा उनको ये खबर मिली होगी, क्योंकि उनका प्रेशर जो था बहुत कम हुआ होगा, क्योंकि उन्हें बार बार विदेश जाना पड़ता है और अभी फ़िलहाल उन्हें बहुत ही जल्द जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अबू धाबी शूटिंग के लिए, वो भी भारत के लिए। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय।